हेलो एवरीवन, आपके अपने स्टडी पॉइंट आरसी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज अपनी रीजनिंग की थर्ड क्लास है उसको स्टार्ट करेंगे। पीछे की दो क्लासों में हमने अल्फ़ाबेट सीरीज टॉपिक को कंप्लीट किया था। तो जिसने भी अभी तक पीछे की दोनों क्लासें नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन क्लासों का एक बार रिवीजन या फिर आप उस क्लास को अटेंड कर सकते हो। चलो ठीक है, आज हम बात करेंगे अपने नए टॉपिक की। नया टॉपिक है जिसका नाम है ब्लड रिलेशन। रीजनिंग के अंदर अपना नया टॉपिक है जिसका नाम है ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध। आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम क्या है भाई, ब्लड रिलेशन। जी ब्लड रिलेशन का मतलब है यानी कि रक्त संबंध। इससे भी क्वेश्चन अपने पूछे जाते हैं तो आज हम इस पार्ट को कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर मैं इस टॉपिक की बात करूँ तो वैसे तो लगभग हर बंदे को आता है प्रश्न करना, लेकिन समस्या क्या होती है, कई बार हम इन क्वेश्चनों में उलझ जाते हैं जिसमें हमें टाइम ज़्यादा स्पेंड हो जाता है। तो मेरा टारगेट बस यही होगा कि आपको प्रश्न को जल्दी से जल्दी किस तरीके से करना होगा, और मेरा टारगेट ये होगा कि आपको बस इस तरीके से बताना है कि प्रश्न पढ़ते ही आपको समझ आ जाए इसका आंसर क्या होगा, इसको किस तरीके से हमें हैंडल करना है। ठीक है, अगर मैं इस टॉपिक की बात करूँ, इस टॉपिक को हम तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे। कितने पार्ट में डिवाइड किया हमने, तीन पार्ट में डिवाइड किया है। यानी कि इस ब्लड रिलेशन टॉपिक के अंदर हम तीन टाइप से प्रश्नों को कवर करेंगे। एक टाइप होगा अपना, इसके अंदर पहला जो टाइप होगा वो होगा पजल से रिलेटेड। पजल रिलेटेड प्रश्न आएगा। प्रश्न किस तरीके से आएगा कि ए बी का चाचा है, बी एस का ताऊ है, एस टी का ससुर है, टी वी का भाई है। तो इस तरीके के जो प्रश्न होते हैं वो पजल से रिलेटेड प्रश्न आते हैं। ठीक है, और सेकंड पार्ट होगा, सेकंड पार्ट में हम पॉइंटिंग वाली की बात करेंगे। पॉइंटिंग, पॉइंटिंग का मतलब आपने देखा होगा इशारों वाले प्रश्न। प्रश्न में बोलेगा कि राम ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा, वह मेरी दादी की बेटी की सासू है। ठीक है, इस तरीके से जो प्रश्न होते हैं इशारों वाले प्रश्न। उसके बाद हम एक पार्ट और कवर करेंगे जिसका नाम है कोडेड फॉर्म। कोडेड फॉर्म वाले भी पार्ट को हम कवर करेंगे। कोडेड फॉर्म वाले कौन से फॉर्म है, आपको इस तरीके से बोलेगा, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है। इस तरीके के से जो पार्ट हो गए वो हम कोडेड फॉर्म, कोडेड इक्वेशन के अंदर सोल्व करेंगे। ठीक है, तो हम इस टॉपिक को तीन पार्ट में कवर करेंगे। लेकिन देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तीनों ही पार्ट में जो आपको बेसिक टर्म काम आने हैं, सबसे पहले हम उस बेसिक को पढ़ेंगे। सबसे पहले इस टॉपिक की कुछ बेसिक बातें समझेंगे, प्रश्न को करने के स्टेप समझेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इन जो पार्ट है उनको स्टार्ट करेंगे। तो मैं आज आपको सबसे पहले बेसिक बताता हूँ। ठीक है, जल्दी से सबसे पहले हम बेसिक को अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। पहला बेसिक पॉइंट क्या अपना, पहला बेसिक पॉइंट है याद रखना जब भी इस टॉपिक की मैं बात करूं। ठीक है, बेसिक पॉइंट, पहला जो बेसिक पॉइंट है वो अपना क्या है, पहला बेसिक पॉइंट है इसको हम कवर करेंगे। पहला बेसिक पॉइंट क्या है अपना, पहला बेसिक पॉइंट आपका ये है कि सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, आपको इसमें दो जेंडर देखने को मिलेंगे। एक तो देखने को मिलेगा मेल पर्सन और दूसरा आपको देखने को मिलेगा फीमेल पर्सन। पहला आपको क्या देखने को मिलेगा, मेल पर्सन। दूसरा आपको क्या देखने को मिलेगा, फीमेल पर्सन। जब भी पर्सन, मेल का मतलब हो गया पुरुष, मेल का मतलब हो गया पुरुष और फीमेल का मतलब हो गया महिला। जब भी पर्सन में हमें ऐसा पता चले कि कोई बंदा पुरुष है, कोई बंदा पुरुष है, तो हमेशा याद रखना उसे हम बॉक्स में लिखेंगे। अगर कोई किसी की आइडेंटिटी जेंडर मेल है, पुरुष है, तो उसे हम हमेशा बॉक्स के अंदर लिखेंगे। जैसे कि मैं बोल दूं पी आर का भाई है, पी आर का भाई है, ये मैंने एक लाइन बोली, एक स्टेटमेंट बोला, तो हमें पता चला पी क्या है, पुरुष है। पी क्या है, पुरुष। अगर पी पुरुष है, अगर पी पुरुष है, तो उसे हम किस में लिखेंगे, बॉक्स के अंदर लिखेंगे। किसके अंदर लिखेंगे जी, बॉक्स के अंदर। याद रखना पुरुष को हमेशा किस में रिप्रेजेंट करना है सर, बॉक्स में रिप्रेजेंट करना है। किस में रिप्रेजेंट करना है सर, बॉक्स में। उसके बाद अगर मैं बात करूं महिला, जो भी महिला होगी उसे हम सर्कल में रिप्रेजेंट करेंगे। उसे हम किस में रिप्रेजेंट करेंगे, सर्कल में। जैसे मान लो मैं इसी में बोलूं कि आर है वो पी की बहन है, आर है वो पी की बहन है। दूसरा स्टेटमेंट मेरा ये है, आर पी की बहन है। तो बताओ आर क्या है, महिला है या मेल है,
बताओ जल्दी से, मेल पर्सन है या फीमेल पर्सन? तो आप बोलोगे सर फीमेल पर्सन है। सॉरी नेटवर्क के कारण थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, कोई बात नहीं, कट हो गई थी नेटवर्क के कारण। चलो याद रखना, कभी भी हमेशा याद रखना। अब आर पी की बहन है, आर पी की क्या है, बहन है। इसका मतलब आर को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? सर महिला आ गई, महिला आ गई, तो हमेशा याद रखना महिला को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सर महिला जो होगी उसे हम सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे भी। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे भी? सर्कल से रिप्रेजेंट। ओके, ये बात आपको याद रखनी है। बोलो किसी को कोई डाउट इसमें? किसी को कोई इसमें डाउट जल्दी से मेरे को बता दीजिए भाई, जल्दी से मेरे को इसमें बता दीजिए। अभी भी क्या किसी को कोई डाउट है? चलो ठीक है जी, अगर डाउट नहीं है तो बहुत अच्छी बात है सर, अगर आपको डाउट नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है जी, अगर मैं बात करूं पुरुष को हम हमेशा बॉक्स में लिखेंगे, महिला को हम हमेशा सर्कल में लिखेंगे। तो ये अपना पहला पॉइंट, बेसिक पॉइंट है। सभी को समझ आ गया? चलो ठीक है, अब हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट की। अब हम किसकी बात करेंगे? सेकंड पॉइंट की। देखो हमेशा एक बात याद रखना, अब हम बात करेंगे जनरेशन की। एक होता है जनरेशन गैप होता है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूँ, सेकंड अपना बेसिक पॉइंट क्या है भी, हमें हमेशा ट्री बनाना होता है। चाहे तीनों पार्ट की मैं बात करूँ, तीनों पार्ट में हम एक जो रिलेशन है उसको ट्री में रिप्रेजेंट करेंगे। ट्री में किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे वही मैं बात कर रहा हूँ। देखो अगर मैं बात करूँ जनरेशन की, बात करते हैं जैसे अपनी जनरेशन है, एक अपनी जनरेशन में कौन आता है भी, अपनी जनरेशन के अंदर कौन कौन आता है? तो आप लोग सर भाई आता है, बहन आता है, चचेरी बहन आता है, ठीक है, मुसेरा भाई आता है, उसके बाद सर साला आता है, जीजा आता है, पति पत्नी आते हैं, ठीक है। ये सभी अपनी एक ही कैटेगरी के हैं, एक ही जनरेशन के, अपनी बात समझाई, ये अपनी एक ही पीढ़ी के हैं। और हमेशा याद रखना जो एक ही जनरेशन के बंदे हों, जो आपस में एक ही जनरेशन से रिलेट करते हों, जो आपस में एक ही जनरेशन से रिलेट करते हों, उसे आप हमेशा एक लाइन में रिप्रेजेंट करोगे, एक ही लाइन में लिखोगे, ठीक है, एक ही लाइन में लिखोगे। बोलो बात समझाई, एक ही जनरेशन के बंदों को, एक ही जनरेशन के, एक एक कैटेगरी के बंदों को, एक ही जनरेशन के बंदों को, एक ही जनरेशन के बंदों को एक लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे। बात समझ आ गई? बोलो किसी को कोई डाउट इसमें? चलो ठीक है, अब मैं बात करता हूं। सर एक जनरेशन हमसे ऊपर वाली होती है, हमसे जस्ट ऊपर वाली पीढ़ी कौन सी है भाई? हमसे जस्ट ऊपर वाली पीढ़ी कौन सी है, जनरेशन कौन सी है? तो आप बोलोगे सर पापा, मम्मी, चाचा, चाची, ताऊ, ताई, मामा, मामी, मौसा, मौसी। ये जो सभी हैं, ये जो सभी हैं अपने से जस्ट ऊपर वाली पीढ़ी में है, अपने से जस्ट ऊपर वाली पीढ़ी में है। अगर अपने से जस्ट ऊपर वाली पीढ़ी में है तो उसे हम ट्री के अंदर, ट्री जब रिप्रेजेंट करेंगे मेथड के अंदर, उसे भी हम ऊपर वाले में लिखेंगे, जस्ट ऊपर लिखेंगे। अपने से जस्ट ऊपर की जनरेशन को जस्ट ऊपर वाली पीढ़ी में लिखेंगे। बोलो बात समझ आ गई? किसी को कोई डाउट? यानी कि यहाँ पर कौन सा आएगा, यहाँ पर कौन सी जनरेशन वाले? पापा, मम्मी, मौसा, मौसी, चाचा, चाची, बुआ, फूफा, और यहाँ पर भाई बहन, ठीक है, चचेरी बहन, चचेरा भाई, इस तरीके के जनरेशन वाले। बोलो बात समझाई, किसी को कोई डाउट इसमें? ठीक है, अपने से जस्ट ऊपर वाली पीढ़ी को हम जस्ट ऊपर लिखेंगे। उसके बाद सर एक पीढ़ी और ऊपर होती है, वो कौन सी होती है जनरेशन? तो आप लोग सर वो होते हैं दादा, दादी, नाना, नानी। तो ठीक है जी, तो उसे हम और ऊपर लिख देंगे भी, हमें भी पता है वो हमसे ऊपर से ऊपर वाली पीढ़ी में, तो उसे हम ऊपर वाली पीढ़ी में लिखेंगे, दादा, दादी, ठीक है, नाना, नानी, ये सभी जस्ट ऊपर से ऊपर वाली पीढ़ी में आएंगे। एक सर हमसे जस्ट नीचे वाली जनरेशन भी होती है सर, एक हमसे जस्ट नीचे वाली जनरेशन होती है, वो कौन सी होती है भी जल्दी से बता दीजिए। तो आप लोग सर वो होती है अपने जैसे कि भतीजा, भतीजी, ठीक है, भांजा, भांजी, बेटा, बेटी, इस तरीके से हमसे जस्ट नीचे वाले रिलेशन में भी एक पीढ़ी होती है सर, भतीजा, भतीजी, भांजा, भांजी, ये जो होंगे वो जस्ट हमसे नीचे वाली पीढ़ी में है, तो हम उसको हमेशा जस्ट नीचे वाली पीढ़ी में लिखेंगे, हम हमेशा उसे जस्ट नीचे वाली पीढ़ी में लिखेंगे। तो ये हो गया अपना सेकेंड पॉइंट क्लियर। बोलो किसी को कोई डाउट इसमें?
जल्दी से मेरे को बता दीजिए, क्या आपको सेकंड पॉइंट में डाउट है? हाँ, अगर अभी भी डाउट है तो हम एक एग्जांपल से समझेंगे भाई, ऐसी बात नहीं है, हम एग्जांपल से समझेंगे, उससे आपको और ज़्यादा बेटर क्लियर होगा। मैं एक एक एग्जांपल से सभी जनरेशन की बात करूँगा, ठीक है, हम एक एक एग्जांपल से सभी जनरेशन की बात करूँगा, ये बात याद रखना। अब हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट सबसे ज़्यादा आपको याद क्या रखना है भाई, थर्ड पॉइंट में आपको याद ये रखना है, हमेशा एक बात को याद रखना, क्या याद रखना आपको, कि जो हैजबैंड और वाइफ होगा, जिनके बीच में रिलेशन हैजबैंड और वाइफ का रिलेशन होगा, पति और पत्नी का रिलेशन होगा, उससे आप हमेशा डबल बॉन्ड में रिप्रेजेंट करोगे भाई। किस में रिप्रेजेंट करोगे? डबल बॉन्ड में। जो जिनमें आपको पति पत्नी का रिलेशन दिखाई दे, जिनमें आपको पति पत्नी का रिलेशन दिखाई दे, हमेशा उसको आप इस तरीके से डबल बॉन्ड में रिप्रेजेंट करोगे। किस में रिप्रेजेंट करोगे भाई? डबल बॉन्ड में आपको रिप्रेजेंट करना है। बोलो बात समझ आ गई? याद रखना हमेशा किस में रिप्रेजेंट करोगे? डबल बॉन्ड में रिप्रेजेंट करोगे। कब रिप्रेजेंट करोगे? जब उन दोनों के बीच पति और पत्नी का रिलेशन हो, पति और पत्नी का रिलेशन हो। तो ये अपने तीन है वो बेसिक पॉइंट है भाई, तीन अपने बेसिक पॉइंट है। क्या आपको इन तीनों पॉइंटों में डाउट है? पहला बेसिक पॉइंट अपना क्या था सर? पहला बेसिक पॉइंट था कि मेल पर्सन को हमेशा बॉक्स में लिखेंगे, उसके बाद सर फीमेल को हमेशा सर्कल में रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरा बेसिक था सर कि बेसिक पॉइंट था जनरेशन का, अगर अपनी जनरेशन का उसको एक लाइन में, अपनी लाइन में लिखेंगे सीधी लाइन में, अपने से जस्ट ऊपर वाले में पीढ़ी में तो अपने से जस्ट ऊपर वाली पीढ़ी में, जस्ट उससे भी ऊपर है तो जस्ट उससे ऊपर, नीचे है तो नीचे वाली पीढ़ी में। ओके, बोलो बात समझ आई किसी को कोई डाउट? उसके बाद सर हमने देखा थर्ड बेसिक पॉइंट कि हस्बैंड और वाइफ को हमेशा डबल बॉन्ड में रिप्रेजेंट करना है सर, डबल बॉन्ड में। इसका रिप्रेजेंट करने का रीज़न ये है कि आप भाई बहन को भी एक ही लाइन में लिखोगे और पति पत्नी को भी एक लाइन में लिखोगे, ठीक है। अब पत्नी तो आपकी ज़्यादा हो नहीं सकती, बहनें तो ज़्यादा हो सकती है, पत्नी तो एक ही होगी आपकी, पति तो आपका एक ही होगा, तो उसे हम स्पेशल के रूप में, डबल बॉन्ड के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे, ताकि हम ये ना समझ बैठें कि ये इसकी बहन है या ये इसका भाई है, ठीक है जी। चलो, तो ये था अपना आज पहला बेसिक, तीनों पॉइंट को मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया है। अब इन्हीं पॉइंट को हम एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करेंगे भाई, इन्हीं पॉइंटों को हम आज एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो मैं पहले आपको टाइप स्टार्ट नहीं करूँगा, पार्ट स्टार्ट नहीं करूँगा, पहले मैं बिल्कुल आपको बेसिक बताऊँगा, क्योंकि वही बेसिक लाइन है, वही बेसिक एग्जाम्पल है, वो आपको हर क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। जैसे मैंने पहला लिखा, पहला एग्जाम्पल क्या लिखा मैंने, पहला एग्जाम्पल मैंने लिखा, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट मैंने लिखा आर एस का चचेरा भाई है। मैंने क्या लिखा? आर एस का चचेरा भाई है, ये मैंने पहला बेसिक एग्जाम्पल लिख दिया। इसको हम क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे। ब्लड रिलेशन टॉपिक को हमने स्टार्ट किया है, इसको हम ट्री मेथड के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। किस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते समय? तो देखो, जब भी इस तरीके का लाइन आए आपको, तो सबसे पहले देखिए प्रश्न में दे क्या रखा आपको, आर एस का चचेरा भाई है, एस का चचेरा भाई है, यानी कि एस से कंपेरिजन हो रहा है, एस का क्या है? चचेरा भाई। पहली बात तो ये बताओ, अपने से, अपनी जनरेशन का बंदा है ये दोनों आपस में, एक ही जनरेशन के या ऊपर नीचे के जनरेशन में, पहले तो मेरे को ये बताओ। तो आप लोग सर चचेरा भाई, भाई अगर है इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ही जनरेशन के बंदे हैं, ये एक ही जनरेशन के बंदे हैं। अब बात आई क्या सर, अगर मैं बात करूँ जैसे एस है, एस का चचेरा भाई है, इसको एक ही लाइन में लिखेंगे, क्या हम डायरेक्ट ऐसे लिख दें सर आर है वो एस का चचेरा भाई है, क्या इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो? तो मैं बोलूँगा जी नहीं, आप इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो सर कैसे करेंगे? देखो, आर का एस के साथ डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, आर का एस के साथ डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। डायरेक्ट कैसे? हमेशा याद रखना, डायरेक्ट रिलेशन किन किन के साथ होता है? आपके अपने माता पिता के साथ हमेशा डायरेक्ट रिलेशन होगा, आपका अपने बच्चों के साथ हमेशा डायरेक्ट रिलेशन होगा, और एक पति पत्नी का हमेशा डायरेक्ट रिलेशन होता है। इनको छोड़कर, इनको छोड़कर बाकी किसी के साथ आपका डायरेक्ट रिलेशन नहीं होगा। डायरेक्ट रिलेशन न होने का मतलब जो बच गए बाकी, वो सभी आपके हमेशा रिश्तेदार होंगे। हमेशा क्या होंगे जी? रिश्तेदार। एक आपके माता पिता कभी रिश्तेदार नहीं हो सकते, एक आपका सगा भाई या बहन रिश्तेदार नहीं हो सकता, एक आपकी पति पत्नी आपस में जो रिलेशन है
ठीक है, आदमी का अपनी वाइफ के साथ और महिला का अपने हस्बैंड के साथ जो रिलेशन था वो कभी रिश्तेदार के रूप में नहीं हो सकता, और एक अपने पुत्र पुत्रियों इनके साथ कभी आपका रिश्तेदार के रूप में रिलेशन नहीं हो सकता, ठीक है। पर यहाँ पर देखो सर, सगा भाई नहीं है, चचेरा भाई है। चचेरे भाई का मतलब क्या है सर, कि एस का कोई ना कोई फादर होगा सर, एस का कोई ना कोई फादर होगा, उस फादर का एक भाई होगा सर, सर उसका एक भाई होगा। चचेरे भाई का मतलब क्या, चाचा का लड़का। चचेरे भाई का मतलब क्या सर, चाचा का लड़का। तो एस का कोई फादर होगा सर, फादर का कोई ब्रोदर होगा सर, और ब्रोदर का जो पुत्र है सर वो है कौन, आर है सर। वो कौन है सर, आर। इस तरीके से हम इस लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे, यही रिप्रेजेंटेशन मेरे को आपको सिखानी है, ताकि आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन को गलत न करो, हर क्वेश्चन को अच्छे से हैंडल कर सको। बोलो बात समझाई। तो चेरे भाई का मतलब कभी भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं होगा, तो हम डायरेक्ट रिलेशन के रूप में से नहीं लिख सकते जी, डायरेक्ट रिलेशन के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है जी। इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। बोलो पहला एग्जांपल सभी को क्लियर है क्या, किसी को कोई डाउट है तो बता दीजिए। पहले एग्जांपल में किसी को कोई डाउट है तो बताओ जल्दी से। चलो ठीक है जी, हाँ जी, और बिल्कुल दोबारा एक बार और बता देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल आप देखते चलो, सेकेंड एग्जाम्पल अपना कि टी वी का पिता है, फादर है भी, टी है वो वी का फादर है, तो बताइए इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहले आप ये देखिए कि क्या अपनी ही जनरेशन के बंदे हैं दोनों, क्या इन दोनों की जनरेशन सेम है। पहला पॉइंट क्या है आपको, क्या दोनों की जनरेशन सेम है, तो आप बोलोगे जी नहीं सर, दोनों की जनरेशन बिल्कुल भी सेम नहीं है। तो अब क्या बोलोगे सर, वी का फादर है, वी से ऊपर वाली जनरेशन में है सर टी। चलो ठीक है जी, क्या इनका डायरेक्ट रिलेशन है, तो पिता के साथ हमेशा क्या होता है सर, डायरेक्ट रिलेशन होता है। क्या होता है सर, पिता के साथ हमेशा डायरेक्ट रिलेशन होता है, तो हम ये बोल सकते हैं सर वी का फादर यानी कि ऊपर वाली जनरेशन में सर कौन है, टी है। अब फादर है सर मेल पर्सन है, तो मेल पर्सन को हमेशा सर बॉक्स में रिप्रेजेंट करेंगे, तो बताइए मेरे को वी को किस में रिप्रेजेंट करूं मैं, जल्दी से मेरे को बता दीजिए, वी को मैं किस में रिप्रेजेंट करूं, क्या वी को सर्कल में रिप्रेजेंट करूं, क्या वी को बॉक्स में रिप्रेजेंट करूं, जल्दी से मेरे को कमेंट में बताइए, क्या वी के लिए बॉक्स आएगा, क्या वी के लिए सर्कल आएगा, जल्दी से बताइए भी, वी के लिए बॉक्स आएगा या सर्कल, जल्दी से मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, वी के लिए बॉक्स आएगा या सर्कल आएगा, जल्दी से बताइए भी, वेरी गुड शाबाश, जल्दी से बता दीजिए वी के लिए बॉक्स आएगा या सर्कल आएगा, वी के लिए बॉक्स आएगा या सर्कल आएगा, मेरे को जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, शाबाश, जल्दी से बताइए भी, वेरी गुड। तो देखो याद रखना, वी के लिए हम न तो बॉक्स का यूज कर सकते हैं, न ही हम सर्कल का। बोले जी सर क्यों, क्यों एक बात बताओ भी, ये पिता जरूर है पर पिता का ये बेटा भी हो सकता है और पिता की ये बेटी भी हो सकती है, क्या पर्सन में अपने को दे रखा है, क्या वी का जेंडर दे रखा है क्या इसने, नहीं दे रखा। तो हमेशा एक बात याद रखना, जिसका भी हमें जेंडर नहीं पता हो, जिसका भी हमें जेंडर नहीं पता हो, उसको न तो आप बॉक्स में रिप्रेजेंट करोगे, न ही आप सर्कल में रिप्रेजेंट करोगे, न तो आप उसको बॉक्स में रिप्रेजेंट करोगे, न आप उसको सर्कल में रिप्रेजेंट करोगे। ये बात हमेशा आपको याद रखनी है भाई, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है, ठीक है जी। चलो जी सर, ओके समझ गया, ठीक है जी। चलो थर्ड एग्जाम्पल की मैं बात करता हूँ, एक एग्जाम्पल और लिखता हूँ सर मैं, थर्ड में मैंने लिखा आर एस की माता है और टी की बहन है। जल्दी से मेरे को रिप्रेजेंट करके बताओ, आर एस की माता है और टी की बहन है, जल्दी से इसको रिप्रेजेंट करके बताओ भी, थर्ड नंबर एग्जांपल को जल्दी से मेरे को रिप्रेजेंट करके बताओ, क्या आप रिप्रेजेंट कर सकते हो इसको, जल्दी से मेरे को बता दीजिए भाई, जल्दी से मेरे को थर्ड एग्जांपल को रिप्रेजेंट करके बता दीजिए, शाबाश, जल्दी से बताइए भाई।
आर एस की माता है और टी की बहन है। आर एस की माता है और टी की बहन है। जल्दी से बताइए। वेरी गुड, शाबाश। चलो ठीक है जी, मैं बता देता हूँ। देखो, आर एस की माता है और टी की बहन है। चलो ये लाइन तो सर हमें क्लियर होगी। इसने बोला है माता है, डायरेक्ट रिलेशन है सर ऊपर वाले से। एस की माता कौन है सर? माता है, डायरेक्ट रिलेशन है सर आर के साथ, हमने लिख दिया। बोलो किसी को कोई डाउट इसमें? आर माता थी सर, फीमेल पर्सन थी। चलो समझ गए। पर ये टी है, ये टी की बहन कौन है सर? आर है या एस है? सबसे बड़ी गड़बड़ तो आपको ये हुई। तो हमेशा याद रखना, जब भी दो अलग अलग सेंटेंस को और से जोड़ा जाए, और शब्द कंजेक्शन के रूप में आए, और शब्द से जोड़ा जाए, तो याद रखना ये जो और शब्द है, ये जो और शब्द है, ये फर्स्ट पर्सन के लिए आता है। किसके लिए आता है जी? फर्स्ट पर्सन के। याद क्या रखना आपको, हमेशा और शब्द किसके लिए आता है सर? फर्स्ट पर्सन के लिए आता है। किसके लिए आता है सर? फर्स्ट पर्सन के लिए आता है। तो हम क्या करेंगे सर, इस और को कट करेंगे, इस और को कट करेंगे, और इसकी जगह दोनों में से पहला पर्सन कौन है सर? आर है। पहला पर्सन कौन है सर? आर है। तो आर को अब पढ़ेंगे इसको, आर टी की बहन है। अब आर और टी के बीच सेम जनरेशन का है, सेम जनरेशन है, तो इसको एक ही लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे। आर है वो क्या है सर? टी की बहन है। टी की क्या है सर? बहन। पर टी के बारे में बता सकते हो क्या आप? तो हम बोलेंगे जी नहीं सर, टी के बारे में हम नहीं बता सकते कि ये मेल पर्सन है या फीमेल पर्सन है, तो इसको हम यहीं पर छोड़ देंगे। तो याद रखना, एक होता है और शब्द, एक होता है किंतु शब्द, एक होता है परंतु। और किंतु परंतु ये हमेशा किसके लिए आते हैं भाई? ये हमेशा पहले पर्सन के लिए आते हैं। अगर यहाँ पर होता आर एस की माता है किंतु टी की बहन है, आर एस की माता है परंतु टी की बहन है, तो भी सेम होता। और शब्द, किंतु शब्द, परंतु शब्द हमेशा पहले आदमी के लिए, पहले पर्सन के लिए आता है। ये बात आपको याद रखनी है भाई, हमेशा। क्या बात याद रखनी है आपको? कि और शब्द, किंतु शब्द, परंतु शब्द हमेशा कौन से पर्सन के लिए आता है सर? फर्स्ट पर्सन के आता है। चलो ठीक है जी, चार नंबर एग्जांपल को और समझेंगे भाई। अब चार नंबर एग्जांपल क्या है अपना? चार नंबर जो एग्जांपल है सर, वो एग्जांपल है कि ए बी की सासू है जो एस की पत्नी है। ये लिख दिया अभी, ए बी की सासू है जो एस की पत्नी है। जल्दी से मेरे को रिप्रेजेंट करके बताओ, जल्दी से मेरे को इसको रिप्रेजेंट करके बताओ भाई, जल्दी से मेरे को इसमें रिप्रेजेंट करके बताइए किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करोगे, जल्दी से बताइए भाई। वेरी गुड, शाबाश। जल्दी से मेरे को इस एग्जांपल को रिप्रेजेंट करके बता दीजिए। तो देखो, इस एग्जांपल को आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे, इस एग्जांपल को आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे, चलो देखिए भाई। अगर मैं बात करूँ ए बी की सासू है, ए बी की सासू है, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं। पहले तो मेरे को ये बताओ, बी की सासू है तो बी से ऊपर वाली जनरेशन है, जस्ट ऊपर वाली जनरेशन है। दूसरी बात, क्या डायरेक्ट रिलेशन है? तो आप बोलोगे जी नहीं सर, सासू का मतलब है कि बी का किसी ने किसी के साथ विवाह हुआ है, ठीक है, किसी ने किसी के साथ, हमें नहीं पता किसके साथ हुआ है, पर हाँ इतना जरूर पता है विवाह हुआ है। और उसकी जो माता है, उसकी जो माता है वो क्या है सर? ए है। उसकी जो माता है वो क्या है सर? ए है। इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। अब बात आई सर, ये जो शब्द किसके लिए आता है? हमेशा याद रखना, जो की शब्द, ये या तो जो हो या जो की हो या जब की हो, हमेशा सेकंड पर्सन के लिए आता है। किसके लिए आता है? ये तीनों शब्द हमेशा सेकंड पर्सन के लिए आता है सर। किसके लिए आता है सर? सेकंड पर्सन के लिए ये तीनों शब्द है वो आते हैं सर। किसके लिए आते हैं सर? सेकंड पर्सन के लिए आते हैं। तो बताओ सेकंड पर्सन कौन है सर? बी।
बी है वो एस की पत्नी है। ये जो बी है ये पत्नी है, सर पत्नी है इसका मतलब फीमेल होगी सर, ये पत्नी है किसकी सर, एस की है सर, एस की है सर, इसका मतलब ये हुआ एस क्या होगा सर, मेल पर्सन। बोलो किसी को कोई डाउट, इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। बोलो समझ आ गया, जल्दी से मेरे को बता दीजिए, क्या किसी को कोई डाउट है इसमें, क्या किसी को कोई डाउट है तो बता दीजिए भाई, जल्दी से मेरे को बता दीजिए। चलो ठीक है जी, तो आज के लिए हम क्लास को अपना द एंड यहीं पर करते हैं। आज हमने ब्लड रिलेशन टॉपिक को स्टार्ट किया था, इसके कुछ बेसिक पॉइंट थे, बेसिक एग्जांपल थे, उसको हमने पढ़ा था। कल हम पहले पार्ट और सेकंड पार्ट को कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, हम कोशिश करेंगे पहला और सेकंड पार्ट कल की क्लास में कवर हो जाए। लेकिन याद रखना, पहला और जो सेकंड पार्ट है वो आपको तभी समझ आएगा जब आपको ये बेसिक पॉइंट क्लियर होंगे, ठीक है। मैंने आज सिर्फ आपको केवल रिप्रेजेंट करने का तरीका, मेल को कैसे दर्शाएंगे, फीमेल को कैसे दर्शाएंगे, सेम जनरेशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अलग अलग जनरेशन को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, वो मैंने आपको बताया है। बताइए क्या अभी भी किसी को कोई डाउट है? अगर डाउट नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, फिर भी अगर डाउट है तो आप इसी क्लास का एक बार और रिवीजन कर लेना अभी कल की क्लास से पहले, क्योंकि यही क्लास आपको ज़्यादा काम आएगी। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाकी हम कल पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है जी, थैंक यू।